Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए SOF ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ली जाने वाली ओलंपियाड एग्जाम के बारे में बताने आई हूँ. आज हम देखेंगे जीके जनरल नॉलेज ओलंपियाड के एग्जाम के बारे में जानेंगे. क्लास थर्ड क्लास के लिए ओलंपियाड के बारे में जानेंगे. यह साइंस ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन SOF द्वारा ली जाती है. इसमें क्लास फर्स्ट से 10th तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ये जीके ओलंपियाड है. एप्लीकेशन प्रोसेस स्कूल द्वारा करवाई जाती है. इसमें कोई भी बच्चा इंडिविजुअल ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे सकता है. स्कूल के द्वारा ही बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. फर्स्ट लेवल एग्जाम के 3 डेट यहाँ पे दिए गए हैं, 19 सितंबर, 4 अक्टूबर एंड 15 अक्टूबर 2024. इन तीनों डेट में से स्कूल द्वारा कोई भी एक डेट चूज करके एग्जाम करवाई जाती है. हर स्कूल में अलग अलग एग्जाम डेट चूज की जाती है और वहाँ पर एग्जाम करवाई जाती है. एक बार अगर किसी एग्जाम को बच्चों ने सेलेक्ट कर लिया तो वो एग्जाम के डेट को चेंज नहीं कर सकते हैं. एग्जाम मोड ऑफलाइन रहेगा, अर्थात बच्चे स्कूल में ही रहकर स्कूल के द्वारा एग्जाम देंगे. एग्जामिनेशन फीस 125 रुपीज रहेगी. साल में यह एग्जाम एक बार ही कराई जाती है. इस एग्जाम का उद्देश्य है टू आइडेंटिफाई एंड फॉस्टर पैशन फॉर जनरल नॉलेज. लैंग्वेज एग्जाम का मोड इंग्लिश मीडियम में रहेगा और ड्यूरेशन 1 आवर्स का रहेगा. एग्जाम में एग्जाम के सिलेबस और सैंपल पेपर, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, चलिए ये हम अब देखते हैं. सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में सैंपल पेपर किस प्रकार के रहते हैं, सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में चलिए हम देखते हैं. क्लास थर्ड के लिए हम बात कर रहे हैं. क्वेश्चन पेपर जो है 4th सेक्शन में बटा रहता है. एग्जाम का पैटर्न जो है एग्जाम का, जिसमें 4 सेक्शन में बटा रहता है, जीके का क्वेश्चन पेपर, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, लाइफ स्किल एंड अचीवर सेक्शन. टोटल 35 क्वेश्चंस रहते हैं इनसे और पर क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स रहते हैं. सिर्फ अचीवर सेक्शन के लिए पर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रहते हैं. अब इसका हम सिलेबस देख लेते हैं. मी एंड माई सराउंडिंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंडिया एंड द वर्ल्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अर्थ एंड इट्स एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स, मैथ्स, फन, लाइफ स्किल, मोरल वैल्यू, टीम वर्क, इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स. ये सारे टॉपिक्स इसके सिलेबस के रहते हैं. और अचीवर सेक्शन में हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन फ्रॉम द अबव गिवन सिलेबस, अर्थात जो सिलेबस दिया गया है उसी से हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इट मीन्स क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट ना पूछ कर घुमा कर किए जाते हैं. ये क्वेश्चन भी हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं. सिलेबस हमारे जो क्लास थर्ड के CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड या ICSE बोर्ड, किसी भी बोर्ड से बच्चा अगर आपका पढ़ रहा है तो उसी बोर्ड से रिलेटेड सिलेबस आपको रहेंगे. बस क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा पैटर्न जो है घुमा कर रहता है. सेम टू सेम डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें कम पूछे जाते हैं. तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. मॉडल क्वेश्चन हम देख रहे हैं सैंपल पेपर 2024-25 के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन से आप पूछे जाते हैं. क्वेश्चन का मोड ऑब्जेक्टिव रहता है, MCQ टाइप का रहता है, जिसमें बच्चों को टिक लगाना रहता है और यहाँ पर एक OMR शीट रहता है जिसमें गोला लगाकर बच्चों को आंसर देना पड़ता है. तो OMR शीट भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार OMR शीट बच्चों के लिए एग्जाम डेट में रहते हैं. चलिए इसके क्वेश्चंस को पहले हम देख लेते हैं, फिर इसके हम देखेंगे आगे. पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द कंट्री वेयर द लैंडमार्क शो इन द पिक्चर इज सिचुएटेड. ये लैंडमार्क दिया गया है, ये कौन से सिटी में सिचुएटेड है, ये क्या है लैंडमार्क. हमारा जो है एफिल टावर दिख रहा है. तो ऑप्शन ए चाइना, बी USA, सी UAE एंड डी फ्रांस. तो करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी फ्रांस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.
Read the given statement carefully and select the correct answer. B. If the esteem of plant X and X could be, यानी ऐसा प्लांट जिसकी हम स्टीम खाते हैं और वह स्टीम ही रहता है. ए जिंजर, बी बकौली, सी कोरिएंडर एंड डी चिली. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जिंजर. जिंजर बी इट स्टीम ऑफ प्लांट जिंजर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड, इसमें से किसे अलेक्जेंडर ग्राहम ने इन्वेंटेड किया था. ए टेलीफोन, बी बल्ब, सी एरोप्लेन या डी रेडियो. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टेलीफोन. नंबर 4. आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द डिवाइस शो इन द पिक्चर्स, इस इमेज में कौन सी डिवाइस शो हो रही है. ये जो डिवाइस हमें शो हो रहा है इस डिवाइस का नाम क्या है ये हमें बताना है. फोर्थ ए में चलिए इसको हम देख लेते हैं. Identify the name of device shown in the picture. Windmill, B. Solar panel, C. Elevator या D. Radar. ये जो हमारा डिवाइस शो हो रहा है दिस इज अ सोलर सिस्टम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सोलर सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 5. अशोक चक्र विच हैज डैश स्पोक इज इम्प्रिंटेड ऑन इंडियन नेशनल फ्लैग. इंडियन नेशनल फ्लैग के बीचों बीच जो अशोक चक्र होता है उसमें कितने स्ट्रिप्स होते हैं. ए 21, बी 26, सी 24, डी 28. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 24. क्वेश्चन नंबर 6. द प्लेस वेयर यू जनरली सी द गिवन साइन बोर्ड इज डैश. A. Inside a house, B. In a zoo, C. Near the airport, D. Outside the post office. ये जो हमें साइन दिख रहा है उस साइन का मतलब क्या होता है. The place where generally see the given sign board is, मतलब ये बोर्ड अगर कहीं दिख रहा है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा. तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन C. Near the airport. इस प्रकार का साइन दिखने का मतलब होता है यहाँ आसपास एयरपोर्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर इज आल्सो कॉल्ड गब्बर. इसमें से कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसको गब्बर भी कहा जाता है. ए सचिन तेंदुलकर, बी विराट कोहली, सी शिखर धवन या डी गौतम गंभीर. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शिखर धवन जिसे गब्बर कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड इन दिल्ली. दिल्ली में इसमें से कौन सा सिचुएटेड नहीं है. ए ताजमहल, बी जामा मस्जिद, सी कुतुब मीनार, डी रेड फोर्ट. करेक्ट आंसर है ताजमहल. ताजमहल इज नॉट सिचुएटेड इन दिल्ली. इट सिचुएटेड इन दारगा आगरा. अब हम देखेंगे अचीवर सेक्शन. अचीवर सेक्शन में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. चलिए पहला है सेलेक्ट द करेक्ट मैच. इसमें से करेक्ट मैच कौन सा है. मार्टियर्स डे 30 जनवरी को मनाया जाता है. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे भी हम देख लेंगे करेक्ट मैच हमें क्लिक करना था. दिस इज द करेक्ट आंसर. बट आगे जो ऑप्शंस दिए हैं उसको भी हम चेक करेंगे. बी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5th जुलाई, नॉट 5th जुलाई, ये होता है 5th जून. 5th जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है. नेक्स्ट है नेशनल साइंस डे. नेशनल साइंस डे जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है. कब मनाया जाता है. 28 फरवरी. एंड रिपब्लिक डे ये मनाया जाता है हमारा 26 जनवरी. 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. नेम ऑफ द आसन शो हियर इज. कौन सा आसन है. ए भद्रासन, सी वज्रासन,
सी सूर्य नमस्कार, डी सिद्धासन शीर्षासन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है भद्रकोणासन, भद्रासन, भद्र आसन है ये, कौन सा आसन है? भद्रासन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।